है। पापा आपके लिए खुशखबरी है। वो क्या है? पापा आपने कहा था कि मैं पास हो गया तो आप मुझे गाड़ी दिलाएंगे। पापा आपके पैसे बच गए गाड़ी के। लस्सी पिएगा? नहीं पापा। बेटा दूध पिएगा? नहीं पापा नहीं पीऊंगा। बेटा दूध पिएगा? पापा मैंने कह दिया नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। बिल्कुल मैं पर गया हराम खोर लगता है, मेरा खून भी पिएगा। बेटा तुम इस बार पास होना हो तुम्हें इस बार बाइक जरूर दिला दूंगा। थैंक यू वेरी मच पापा। हाँ बेटा अगर पास हो तो हीरो होंडा कॉलेज जाने के लिए, फेल हो तो राजदूत दूध बेचने के लिए। पापा फटाफट तैयार हो जाओ, आज मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तुम्हें किसने कहा कि तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं? पापा कल मैंने एक लड़की छेड़ दी तो उसके भाइयों ने कहा कि कल तुझे देख लेंगे। बेटा तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है पापा। आजकल तो सभी की होती है, थोड़ा सोशल बनो। वैसे एक गर्लफ्रेंड है पापा मेरी। हराम खोर तभी तो फेल होता है हर बार। ये लो बेटा 10 रुपए और जा बाजार से सब्जी लेवा। पापा मुझे नहीं जाना, आजकल 10 रुपए में कुछ नहीं मिलता। बेटा एक जमाना था मैं 10 रुपए लेकर बाजार जाता था तो किराना सब्जी और दूध सब ले आता था। पापा अब जमाना बदल गया है, सभी दुकानों पर CCTV कैमरे लगे होते हैं। हराम खोर तो अपने बाप को चोर समझता है। बेटा मैंने सुना है कि तुम जुआ खेलते हो, जुआ मत खेला करो क्योंकि आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो अगले दिन फिर हारोगे। पापा मैं समझ गया, अब मैं आज से एक दिन छोड़कर ही जुआ खेलूंगा। पापा पापा क्या आपकी शादी हो गई? हाँ बेटा। किससे पापा? बेवकूफ तेरी माँ से। वाह पापा आपने तो घर में ही शादी कर ली। पापा अभी मुझे भी शादी करनी है। अच्छा बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, पर ये तो बताओ खुश नसीब लड़की है कौन? पापा वो लड़की है मेरी दादी। नहीं बेटा मुझसे शादी नहीं कर सकते, वो मेरी माँ है। तो फिर आपने मेरी माँ से शादी क्यों की? वो भी तो मेरी माँ है। बेटा तुम्हारा पेपर कैसा हुआ आज का? वो पापा बस पहला सवाल छूट गया। अच्छा बेटा और बाकी के सवाल? वो पापा तीसरा मुझे आता नहीं, चौथा मैं करना भूल गया, पांचवा मुझे नजर ही नहीं आया और छठा प्रश्न पेपर की पिछली तरफ था तो इसलिए मैंने उसे देखा ही नहीं। हराम खोर और दूसरा? बस पापा सिर्फ वही गलत हुआ है। लो भैया सारा पेपर गलत कर दिया। जय हिंद जय भारत।